आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक मरतबा फिर हिफ्ज़ान सेहत प्रोग्राम के तहत मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी हाज़िर ख़िदमत हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा हिसास टॉपिक है। अगर इस जो टॉपिक को हम लोग आज ले रहे हैं, जिसको हम लोग बर्स या सफ़ेद दाग के नाम से मौसूम करते हैं, तो इस मर्ज़ में खुदा ना खास्ता अगर कोई मुब्तला होता है, और अगर वो लड़की हो या ख़वातीन में से कोई हो, तो वो और ज़्यादा मतलब जो है समाजी इशू बन जाता है, माशरती मतलब जो है वो इशू बन जाता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज एक मारूफ शख्सियत हकीम डॉक्टर फजलुर रहमान साहब काजमी को दावत दी है अपने स्टूडियो के अंदर। फजलुर रहमान साहब का तारुफ इससे पहले हमने स्टूडियो में आपको जब इससे पहले इस एपिसोड में आपको करवा दिया था। मुख्तसरन आपको फिर अर्ज़ कर दूँ कि आप बॉम्बे तिबिया कॉलेज में लेक्चरर हैं और एमडी मौलजात में से मतलब जो है एमडी की है आपने, और इस वक्त जो है वो लेक्चरर हैं और अमराज जिल्द के ऊपर ही लेक्चर देते हैं अपना और पढ़ाते हैं। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने डॉक्टर साहब को मतलब मदु किया। डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल है, आप हमारे स्टूडियो में एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह रहमान हम आपसे जो इस मौजू पर जो गुफ्तगू करेंगे, जो बर्स का जो मौजू है, तो बड़ा हिसास मौजू है साहब, और इस को लेकर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है हमारी समाज में, ख़ास तौर से जो लोअर क्लास तबका है, मिडिल क्लास तबका है, ये लोग मतलब जो है बहुत ज़्यादा इसको लेकर जो है हिसास हो जाते हैं। और अगर ख़ास तौर से लड़कियों को ये मर्ज़ हो, तो वो भी मतलब जो है अपने आप को कुछ एहसास से कमतरी में मुब्तला इस में समझती हैं, और जेंट्स में भी हो, लड़कों में भी हो, तब भी मतलब जो है एहसास से कमतरी तो बहरहाल रहता ही है। तो क्या वाकई ये इस मर्ज़ की वजह से एहसास से कमतरी में मुब्तला रहना चाहिए, या वाकई ये मर्ज़ ऐसा है कि इससे एहसास से कमतरी आएगा? छुआछूत का मर्ज़ है, क्या है ये वाला? नहीं, देखिए, इसकी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमारे समाज में जब इसके बारे में कुछ हमको मालूम नहीं था जी, तो ये देखा गया था कि अगर घर में एक लोग को हो गया, जैसा कि अभी हम इसके असबाब में जब आएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक ख़ानदानी या जिसको हम जेनेटिक काज कहते हैं, तो इसके असबाब में से एक सबब वो भी है जी। तो चूंकि जैसे बाप को है तो आमतौर से बेटे को, बेटे को है तो उसके बेटे को, इस तरह की ये चीज़ें हैं जिसमें पैदा हो सकती हैं जी, जी, जी। तो चूंकि जब तक हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, तो ये माना जाता था कि इसके ख़ानदान में सफ़ेद दाग है, इससे रिश्ता मत किया जाए वरना हमारे ऊपर आ जाएगा जी, जी, जी। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बल्कि एक समाजी चीज़ है जी, जी। और ये देखा जाए तो कभी बीवी से शौहर में या शौहर से बीवी में नहीं जा सकती जी, जी। छूत का मर्ज नहीं है मतलब, ये छूत का मर्ज नहीं है, बल्कि जेनेटिक हम ट्रांसफॉर्मेशन ये कहते हैं कि इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा उसको तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं लग सकता है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, टच पैदा करने सिर्फ एक समाजी चीज़ है जिसको अच्छा नहीं माना वो एक। तो इसकी खास वजह क्या हो सकती है डॉक्टर साहब, कि ये चूंकि बदवजही बदरंगी नजर आती है, इसकी वजह यही है, क्यों घिन करते हैं लोग इस मर्ज़? नहीं, बस यही एक चीज़ है कि चूंकि देखने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वरना अगर हकीकत में देखा जाए तो इसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली नहीं होती है, नॉर्मल इंसान है, वो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल काम करता है, खाता पीता है, सारी चीजें करता है, सिर्फ एक चीज है कि देखने में अच्छा नहीं लगता। और अगर इसी को हम देखें तो आजकल कॉस्मेटिक्स का जमाना है, उसको कलर कर दिया जाए तो सामने वाला देख भी नहीं पाता है कि इसको कुछ है या नहीं है। तो ये चीजें एकदम समाज से या दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि ये छुआछूत की बीमारी है। ठीक है, दुनिया में जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं उस तरीके से एक सफ़ेद दाग भी है जी, जी। और होती रहती है बदन में, क्योरेबल भी है, उसका अगर हम इलाज कराएं तो देखा गया है काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो मर्ज होता है, तो यूनानी नुक्ता नज़र से हम इसको मतलब जो है इसके असबाब के अंदर अगर जाएंगे, इसके असबाब तलाशेंगे, तो वो क्या असबाब होंगे, हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इसके असबाब का ताल्लुक है, तो अभी इस वक्त तक मैं इस वक्त तक ही कहूँगा, इसलिए कि चूंकि साइंस है, कैसी मेडिकल साइंस है, कैसी चीज़ है जिसके बारे में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन अभी तक इसका बहुत क्लियर कट जिसको हम कह रहे हैं या बहुत वाज़े सबब हमारे सामने नहीं आया जी। लेकिन इसके जितने भी असबाब हैं वो सब हाइपोथेटिकल हैं, यानी माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि इसको इस वजह से हो गया। तो उनमें से जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तीन थ्योरी आमतौर से दी जाती है। एक तो दी जाती है जेनेटिक जी,
कि जो हमारे अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं या जो हमारे अंदर खसूसियात हमारे माँ बाप से आती हैं मौरूसी तौर पे आती हैं, तो जिन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो लाते हैं उन्हीं में एक चीज होती है जिसके अंदर कुछ अगर तब्दीली हो गई तो ये कंडीशन पैदा होगी। दूसरी चीज जो इसके लिए मानी जाती है वो न्यूरोजेनिक मानी जाती है, मतलब आसावी जिसको हम कहते हैं, असवी, कि आमतौर से सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा जब देखा जाता है तो किसी एक मखसूस हिस्से पे देखा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर चेहरे पे होगा तो इस साइड पे होगा, गर्दन पे है तो इस साइड पे है, पैरों पे होता है तो आमतौर से सामने की साइड पे होता है, तो इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। तो मेडिकल साइंस में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डर्मोटोम। डर्मोटोम कहते हैं उस हिस्से को जो किसी एक पर्टिकुलर अस्व या नर्व से सप्लाई होता है। जी, तो क्योंकि इस मर्ज में एक मखसूस एरिया तक ये पहले इब्तिदा में मुनासिर होता है, इसलिए ये एज्यूम किया जाता है कि इसका सबब जो है वो असबी है जी, और आसाब की वजह से है जी। लेकिन इन सब के सामने अगर हम देखें जी, तो इसके असबाब जहाँ तक ये दोनों हाइपोथेटिकल दी जाती हैं, इसमें कुछ असबाब मौजदा या जिसको हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं जी, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और आमतौर से इस ज़माने में जो असबाब माने जाते हैं या जिनको बच्चों को बताया जाता है जी, या जो समाज में मौजूद हैं या जो हमारे ऑब्जर्वेशन में हैं, वो हैं उनमें से एक चीज़ तो यही है कि अगर यूनानी में टर्म इस्तेमाल होता है सुए मिजाज। सुए मिजाज जी, तो सुए मिजाज का ये मतलब होता है कि हमारे हर उसके अंदर एक खसूसियत है जी, कि जब हम कोई भी गजा लेते हैं तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उससे अपना फायदा हासिल करती है जी, और जो बेकार की चीज होती है वो सफर के नतीजे में बाजरी बाहर चली। तो अगर किसी भी सेल के अंदर जी ये कमी पैदा हो जाए जी, उसके अंदर सोए मिजाज लाइक हो जाए जी, कि वो अपनी गजा ना हासिल कर पाए जी, तो हम ये मानते हैं कि उसके अंदर जो ब्लैक कलर होता है जी, या जो हमारे स्किन का कलर जिन चीजों से मेंटेन होता है जी, उसके अंदर कमी आती है जी, और उसकी कमी होने की वजह से जी सफ़ेद दाग जाहिर होता है। दूसरी चीज़ आमतौर से कभी कभी इसकी इब्तदा हमने ये देखने में मिली हुई है कि कहीं चोट लग जाती है हमको, कहीं ड्रामा कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी जब हीलिंग होती है या जब वो जख्म मुंदमिल होता है जी, तो वहाँ एक छोटा सा सफ़ेद निशान पड़ता है और फिर वो निशान बढ़ता जाता है जो सफ़ेद दाग की शक्ल में अख्तियार कर लेता है। तो एक तो उसकी इब्तदाई चीज़ वो होती है। इसके अलावा इसके जो एक सबब आमतौर से देखने में आया है वो ये है कि मुस्तकिल दबाव जी, मुस्तकिल दबाव का मिसाल ये है कि जैसे जो लोग जूते पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं जी, और अगर वो बहुत टाइट है जी, तो आमतौर से देखने में आया है कि जहाँ तक दबाव होता है वहाँ का कलर जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। या औरतें जो साड़ी का इस्तेमाल करती हैं चूँकि वो बहुत टाइट बांधती हैं जी, तो जो बांधने का या दबाव का एक तरीका होता है तो उस तरीके पर देखा गया है कि सफ़ेद निशान की शुरुआत होती है। तो इसके एक सबब जिसको हम प्री डिस्पोजिंग मतलब फाइनल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सपोर्टिंग फैक्टर्स में हम इसमें दबाव को भी लाते हैं। इसके अलावा एलर्जी एक चीज होती है, हसासियत जी, कि आमतौर से देखने में आया है कि कुछ लोग जो प्लास्टिक के या रबर के चप्पल और शूज इस्तेमाल करते हैं तो जो पट्टे का हिस्सा होता है जिसपे मुस्तकिल कॉन्टेक्ट में रहता है वो सफ़ेद होता है जी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। बकिया खून में एक चीज़ फसादे खून, उसमें अभी जब आप आएंगे यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जी जी। तो स्किन के जो कलर को मेंटेन करने के लिए हमारे खून में या हमारे बदन में कुदरत ने एक नेमत दी है, उसको मेलेनोसाइट कहते हैं। तो अगर उन मेलेनोसाइट की कमी हो जाए जी जी, पिगमेंट है, वो पिगमेंट है, एक कलर है, कुदरती पिगमेंट है, तो उसकी वजह से सफ़ेद दाग पैदा होता है। कभी कभी हमारे जो मेलेनोसाइट होते हैं, जो खलिया या सेल होता है, वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनको इन्हांस करने के लिए जिसको हम मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं जी, जी, जी। उनके अंदर कमी आती है। तो इस तरह के कुछ असबाब होते हैं है, मतलब हाँ, लेकिन उसको तिब्बे यूनानी की जबान में फसादे खून कहते हैं कि खून के अंदर कुछ इस तरह की तब्दीलियां होती हैं। लेकिन अगर आज के जमाने में देखा जाए, चूंकि केमिकल का जमाना है और एनालिसिस की जा सकती है, तो ये हमें देखने में आना है कि उसमें मेलेनोसाइट या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी हो जाती है जी, जी। जिसकी वजह से आमतौर से सफ़ेद दाग देखने में मिलता है जी, जी, जी। और कुछ असबाब जो हैं हो सकते हों इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि असल सबब को तो अभी तक डिसाइड नहीं किया जा सकता है, एग्जैक्ट काज नहीं है, लेकिन ये सब प्री डिस्पोजिंग है, इनकी वजह से शुरुआत हो सकती है जी, जी। और जब शुरुआत हो गई तो फिर वो स्प्रेड कर सकता है। इसके लिए अगर हम इसमें जाएं कि ये बढ़ते हैं या घटते हैं, तो इसको हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं जी।
एक को हम ये कह रहे हैं कि वो शुरुआत छोटी जगह से हुआ और डेली वो बढ़ता जा रहा है, डे टू डे वो इंक्रीज साइज में करता जा रहा है, तो उसको प्रोग्रेसिव टाइप का हम कहते हैं कि ये अपनी साइज में बढ़ता जा रहा है। एक स्टेबल होता है कि जितना सफेद दाग हो गया 10 साल से उतना ही बड़ा हुआ है, ना वो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। और इसकी तीसरी किस्म जो होती है वो रिग्रेसिव टाइप की होती है, यानी जितना हो गया था उससे वक्त के गुजरते के साथ साथ वो कम होता चला जा रहा है और अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि वही फसाद खून उस तरह की जगह जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, और जैसे अभी मैंने पहले बताया कि इसको हम क्योर कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसमें कुछ अदवियाँ हैं जिनमें हम उन सेल की गजाइत को बढ़ाते हैं जिससे वो मेलेनोसाइट का या मेलेनिन का जो है प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और उससे स्किन हमारी जो है मेंटेन हो जाती है। मतलब वो जो है मेलेनोसाइट्स जो है वो नॉर्मल अपनी जो जी फंक्शनिंग में आ जाते हैं, वो वहाँ पर आके जमा हो जाएंगे और वो लेवल मतलब बराबर हो जाएगा। कुछ असबाब तो डॉक्टर साहब ने इसमें ऐसे बताए कि अगर उन असबाब को दूर कर दिया जाए तो वो भी मतलब जो है उस बगैर किसी दवा के उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जो प्रेशर वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर वाले शूज हैं, प्रेशर वाली साड़ीज हैं जो इस्तेमाल करते हैं, अक्सर देखने में वाकई आता है कि वहाँ पर जो है सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं, तो अगर उस चीज को अवॉइड किया जाए प्रेशर मतलब वो हो जाएगा। तो ये तो जैसे असबाब के ताल्लुक से हुआ। और सब एक और भ्रांति बोल लीजिए या लोगों के अंदर एक गलत फहमी बोल लीजिए, वो है कि अक्सर लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम आप जानते हैं यहाँ पर गर्दन में कुछ सफ़ेद सफ़ेद भूरे भूरे से दाग हो जाते हैं, पीठ पर हो जाते हैं, चेहरे पर भी हो जाते हैं, कान में भी हो जाते हैं, तो लोग उसको भी जो है तो छूत की बीमारी समझ लेते हैं, तो क्या ये इसको बर्स में शुमार करेंगे? नहीं, देखिए एक तो जहाँ तक आपने पूछा छूत की बीमारी जी, तो छूत से जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि आमतौर से लोग यही मुराद लेते हैं कि जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँच जाए। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि ल्यूकोडर्मा या जो सफ़ेद दाग है वो तो छूत की नहीं है, लेकिन आपने जो बताया कि सीने पे और चेहरे पे छोटे छोटे सफ़ेद दाग हो जाते हैं, इसको हम छूत के ग्रुप में ले आएंगे, इसलिए कि जैसे आपने बताया कि फंगल इन्फेक्शन है और फंगस जहाँ भी उनका इन्फेक्शन होगा वहाँ पर ये चीज़ पैदा होगी, लेकिन बर्स नहीं है। तो इसमें आमतौर से जो एक कॉमन चीज़ है जैसे टॉवल वगैरह है, एक ही आदमी इस्तेमाल करता है, एक उससे मुतासर है दूसरा मुतासर नहीं है, तो उसमें ये जो सीने वाली चीज़ें आपने बताया, एक्चुअली एक कंडीशन होती है जिसको हम टीनिया फरफर कहते हैं या टीनिया वर्सिकुलरिस कहते हैं, उसका ये इन्फेक्शन होता है। इसमें अगर थोड़ी सी दवाएँ ले ली जाए या किसी डॉक्टर से मशवरा ले लीजिए तो ये विद इन वीक सबसाइड हो जाता है, इसके लिए कुछ ऐसा जहन में नहीं लाना चाहिए। मतलब जो है अवामी प्रोग्राम है, सेहत हम्मा का प्रोग्राम है, तो उसके लिए मतलब मैंने ये बात कर दिया था। एक चीज और बड़ी इश्तिहारी हकीमों ने मतलब जो है मशहूर कर रखी है, उसका इजाला भी आप कर दीजिए, वो ये है कि लोग कहते हैं कि भाई हकीम साहब ने देखा, हमने बर्स का इलाज कराने गए, हकीम साहब ने देखा कि साहब सुई चुबा के देखी, कहने लगे कि इसमें से लाल मादा निकलेगा तो तुम्हारा जो है ज़ख्म जो है वो जो बर्स जो है वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन सफ़ेद निकला तो हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, कहाँ तक के दुरुस्त है ज़रा इसको थोड़ा सा। देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सफ़ेद दाग से जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास होते हैं, और अताई हकीम हम उनको कह लेंगे या इश्तिहारी हकीम कह लेंगे कि अगर वो पढ़े लिखे या क्वालिफाइड नहीं हैं तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, इसलिए कि इससे शुरू में मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि स्किन की दो लेयर होती हैं या दो तह होती हैं, एक को एपिडर्मिस कहते हैं दूसरे को डर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में कोई खून की सप्लाई नहीं होती जैसे इससे मैंने आपको बताया, लिहाजा अगर कोई एक्सपर्ट और सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए या इस तरह की चीज़ें सिर्फ आप एपिडर्मिस में स्विच हुए तो उससे वाकई पानी निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर डीप जान जाएगा डर्मिस को अगर आप प्रिक करेंगे तो अल्टीमेटली खून आएगा। और ये कॉन्सेप्ट कि डॉक्टर हकीम साहब ने स्विच चुभाया इसके बावजूद पानी निकला, तो इसमें एक बुनियादी चीज़ तो ये होती है कि बहुत सुपरफिशियल अगर स्किन में कभी भी कहीं भी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सफ़ेद दाग वाली हो, कहीं भी अगर स्किन की बिल्कुल ऊपरी सतह पे स्विच चुभाया जाए तो उससे वाकई पानी निकलेगा और वो एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि प्लाज्मा होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ होती है वो चीज़ ये होती है कि स्विच होने के तो कोई उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसको रब किया जाए रगड़ा जाए और वो रेड हो जाए एरिया, तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ दौरान खून जो है वो अच्छा है, तो अगर हम उसका इलाज करते हैं तो वो जल्दी ठीक होता है उसके मुकाबले में कि अगर दौरान खून कम है।
जैसे मिसाल के तौर पे अगर चेहरे पे है तो जल्दी हम उसके उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर पैरों पे है जहाँ की सप्लाई कम होती है या जैसे नाखून के किनारे है जहाँ खून की सप्लाई कम होती है, तो चूंकि हमारी जो दवाएं होती हैं या जो उसूल है वो ये है कि वहाँ के जो खलियात हैं उनको कवि बनाया जाए, उनको अपनी पुरानी हालत पे लाया जाए ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन करने लगें। तो ये फ़ायदा हम सिर्फ खून से हासिल कर सकते हैं, लिहाजा जहाँ खून की सप्लाई ज़्यादा है या दौरान खून ज़्यादा है वहाँ अगर हम उसके जल्दी अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जहाँ ये चीज़ नहीं है वहाँ थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो भी क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसका फिर हम एग्जैक्ट मतलब जो उसूल इलाज हमारा तो पैथी उसूल इलाज पर ही काम करती है, तो यूनानी उसूल इलाज इस वर्ष के इलाज उसके लिए क्या तैयार किए जाते हैं? देखिए, उसूल इलाज में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए हमें हर वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे दौरान खून बढ़ जाए। उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मुहम्मिर, कि मुहम्मिर या जिल्द को सुर्ख करने वाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज़, इसके खारजी तौर पे तो हमें मुहम्मिरात का इस्तेमाल करना है, उसकी एक बहुत लंबी सी लिस्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे हमें जैसे मुअद्दिलात दम या मुसफियात दम, इससे पहले हमने आपसे डिस्कशन किया था कि जैसे अगर मेलेनिन तो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं लेकिन मेलेनिन की जो गजाइत प्रोवाइड करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है तो हम सही हैं, लेकिन हमें अगर खाना नहीं मिल रहा है तो हम सही ढंग से काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह उस सेल को सही करने के लिए मुअद्दिलात दम या मुसफियात दम हम इस्तेमाल करते हैं, जो एक यूनानी का उसूल इलाज है और इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने में आया है। अभी जहाँ तक इलाज की बात है तो तिब्बे यूनानी एक ऐसी पैथी है जिसके बारे में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इसके इलाज में इसने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी कामयाबी हासिल की। तिब्बे यहाँ तक कि तिब्बे यूनानी की एक ब्रांच है CCRUM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रीजनल रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। तो बाकायदा उसके बम्बई में JJ में एक यूनिट है, इसके अलावा दिल्ली में यूनिट है, हिंदुस्तान में तकरीबन काफ़ी जगहों पे है, अलीगढ़ में है। तो इसमें मैं जहाँ तक जानता हूँ या मेरे जो नॉलेज में है कि JJ में और अलीगढ़ में, बम्बई में, अलीगढ़ में और दिल्ली में, इन दोनों यूनिट में बाकायदा बरस ही पे इलाज हो रहा है और काफ़ी इसमें उनको कामयाबी हासिल मिली। अभी हैदराबाद में है, हैदराबाद में इसके ऊपर काम मुस्तकिल चल रहा है और काफ़ी वो लोग इसमें कामयाब भी हैं। तो तिब्बे यूनानी के ये है कि थोड़ा टाइम तो लगता है, देखिए चूंकि ये मर्ज़ भी एक दिन में नहीं पैदा होता, लिहाजा अगर धीरे धीरे डेवलप होता है, लिहाजा अगर सुकून के साथ और हम ये कहेंगे कि एतमाद के साथ कि घबराया ना जाए, इसलिए कि समाजी चीज़ शुरू में आई कि आदमी घबराते अब मेरा क्या होगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसके इलाज में काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और क्योर किया जा सकता है। खासतौर से किन अद्वियात पर सर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं यूनानी के अंदर किन चीज़ों का मतलब रिजल्ट इसमें ज़्यादा देखने को मिला? अभी जहाँ तक रिजल्ट की बात रही, रिजल्ट में मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुहम्मिर। तो मुहम्मिर हमारे यहाँ एक ग्रुप है दवाओं का, यानी ऐसी दवाएँ जो जिल्द को सुर्ख कर दें। तो अगर हम इस ग्रुप में जाएँ तो जैसे मिसाल के तौर पर राई है, राई जो हमारे घरों में इस्तेमाल है उसको पीस करके कहीं रगड़ा जाए या राई का तेल मस्टर्ड ऑयल ले लिया जाए उसको रगड़ा जाए तो आमतौर से वहाँ सुर्खी पैदा हो जाती है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, बाबची है, आतरी लाल है, ये चीज़ें हैं, जरारी है, तो एक ग्रुप है, एक लंबी लिस्ट है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर से जो काम हुआ है या रिसर्च यूनिट पर या जो हम लोग अपने प्रैक्टिस में आमतौर से रखते हैं वो अगर हम मुफरदात में जाएँ तो इसमें बाबची, तुखमे पनवाड़, आतरी लाल, ये तीन दवाएं हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ हुई खारजी तौर पे इस्तेमाल करने की, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पे मैंने इससे बताया मुसफियात है जिसमें नीम बहुत मशहूर है आजकल, हिमालया तो एक कैप्सूल ही बना करके मार्केट में लॉन्च कर दिया या साफ़ी है, या अगर आप मुफरदात में जाना चाहें तो इसमें नीम है, मुंडी है, उन्नाब है, सरफूका है, ये एक मुसफिया खून अदवियाँ हैं, उनको दाखिली तौर पर इस्तेमाल किया जाए और खारजी तौर पे इस तरह की दवाएं इस्तेमाल किया जाए जो वहाँ के दौरान खून को बढ़ा दें। और जो काम हुआ है तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो तुखमे पनवाड़, बाबची और आतरी लाल। तो डॉक्टर साहब, क्या इनको ऐसा ही शिक्ल में इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा या इनको इनका रोगनियात इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है? बेहतर नहीं, देखिए इसमें तरीका ये होता है कि ये जितनी भी दवाएँ होती हैं
ये जितनी ज्यादा देर तक हमारे बदन पे लगी रहेंगी उतनी ज्यादा मुफीद होंगी, क्योंकि वहां दौरान खून को बढ़ाना है। तो जब भी इरिटेशन होगा, जब भी हम वहां गर्मी पैदा करेंगे, तो एक चीज ये हुई। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनको जुलाल इनका निकाल करके इस्तेमाल किया जाए दाखिली तौर पे, और खारजी तौर पे इनका जो पाउडर हो उस पाउडर को पेस्ट बना लिया ये, और पेस्ट बना करके जो भी मुतासिर हिस्सा हो उस मुतासिर हिस्से पे लगा करके कम से कम 10 मिनट तक धूप में बिठाने के लिए सनलाइट, इसलिए कि सनलाइट की इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्किन जिम्मेदार होती है उसमें एक मेलेनोसाइट, तो मेलेनिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन बदन पे होता है वो सूरज की शुआओं से या जो है अल्ट्रावायलेट रेड से डायरेक्ट मुतासिर होता है। यही है कि हम हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं, अफ्रीकन अगर देखें तो उनसे भी काले होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो गोरे होते हैं। तो धूप का जिससे जितना ज्यादा जिसको हम कहेंगे कि मुतासिर होता है उसका वो कलर मेंटेन होता है। तो हम लोग आमतौर से इसमें एडवाइस ये करते हैं कि इसका आप पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट बना करके जो मुतासिर हिस्सा है उस पर आप लोकल एप्लीकेशन कीजिए, और कम से कम 10 मिनट के लिए धूप सूरज की रोशनी में सनलाइट में जो आमतौर से हर जगह अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कीजिए। कभी अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि इसकी पोटेंसी कम है या इसकी ताकत कम है, तो इसमें हम गन्ने के सिरके से ये कहते हैं कि जब आप इसको पेस्ट बनाने लगें तो उसमें गन्ने का सिरका मिला दीजिए, क्योंकि वो भी एक एसिड होता है, इरिटेंट होता है, तो उन दवाओं की ताकत बढ़ जाती है। तो हमारा जो मकसद है कि वहाँ के दौरान खून को बढ़ाया जाए उसको हम सैर हासिल हमारी उम्मीद फ़ायदा होती है और हमें उससे फ़ायदा हासिल होता है। तो डॉक्टर साहब ये तो मतलब बातें हुई आपकी बर्स के ताल्लुक से, और काफ़ी मुफीद मालूमात जो हैं आपने बर्स के ताल्लुक से, और उसका समाजी पस मंज़र भी माशाल्लाह आपने बताया कि इस मर्ज को जो है तो कोई छूत का मर्ज नहीं समझना चाहिए, ये सिर्फ एक स्किन डिस्कलरेशन है कि सेल के अंदर जो है स्किन के अंदर जो है पिगमेंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, किसी जगह कम हो जाते हैं सूए मिजाज की वजह से, मिजाज के ख़राब हो जाने की वजह से या किसी और वजह से भी, या जो भी वजूहत बताई आपने, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक स्किन डिस्कलरेशन है। इसमें किसी किस्म का कोई ना छूत का बीमारी, छूत की बीमारी है, और ना ही कोई इन्फेक्शस डिजीज़ है, ना कंटीजियस डिजीज़ है, तो इसलिए इसको जो है तो कोई से जो है नफ़रत की निगाह से या हकारात की निगाह से इसको जो है वो नहीं देखना चाहिए। अगर संजीदगी से इलाज किया जाए तो ये एक कामयाबी के साथ में इसका इलाज किया जा सकता है, सब्र के साथ में, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होता है इसलिए इसका इलाज भी धीरे धीरे होता है। और ख़ास तौर से हमारा जो देसी तरीका इलाज है, यूनानी है, आयुर्वेद है, इसके ज़रिए इसका इलाज जो है पूरी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको एक समाजी इशू ना बनाया जाए, और हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमारा हम भी सेहतमंद रहें, हमारा समाज भी सेहतमंद रहे, और दिमागी तौर पर भी हम लोग सेहतमंद रहें। और बज़ाहिर और दिमागी तौर पर सेहतमंद होने की निशानी यही है कि हम छुआछूत को या इसी किसी भी मतलब जो है उसको जो है इशू ना बनाएं, छुआछूत को ख़ास तौर से किसी मर्ज़ को जो है हकारत से ना देखें। तो ये सारी बातें हमने हकीम साहब से डिस्कस की, माशाल्लाह आपने बहुत इससे इस्तिफादा किया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे, और जो बर्स के मरीज़ हैं वो अपने अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा से कमतरी में मुब्तला ना हो, और बाकायदा संजीदगी के साथ इलाज की तरफ रुजू करें, तो इंशाअल्लाह रहमान इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर एक नए इशू के साथ, एक नए मर्ज के साथ और एक नए मौजू के साथ में हम आपके दरमियान हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।